हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड? मुझे हल्की सी अमेंडमेंट आपको बतानी है कि ऑडिट में कुछ ऐसे जो है वो ऐसे ने कहा है कि भैया ये आपको स्पेशल एफर्ट के साथ पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे ने एक बात और कही है कि भैया अगर ये कहीं पे पूछ लिया जाता है तो आप इसका रेफरेंस जो है वो याद रखेंगे कि ये कहता क्या है। यानी कहीं अगर दूसरे ऐसे में ये ऐसे यूज़ होंगे तो आप क्या करेंगे, इन्हें पढ़ के जाएंगे, लेकिन पर्सनली इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऐसे ही है ज़्यादा। तो ऐसे 260 को हटाया है उन्होंने, ऐसे 330 को हटाया है, हमने 315 कर लिया था, ये आज हमें करना था बट हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ने कहा है कि भैया ये मत पढ़ के जाओ। फिर ऐसे 450 है, ये भी ऐसे ने कहा भैया मत पढ़ के जाओ। अब ऐसे खुद ही मन के मना कर रहा है कि सर मत पढ़ के जाओ, टाइम बचाओ, तो हम ऑब्वियसली टाइम बचाएंगे। उसके बाद है ऐसे 265, ऐसे ने कहा है कि ये भी आपको नहीं पढ़ के जाना है। उसके बाद ऐसे है आपका 402, ये तो मैं शुरू से ही हमेशा ही कहता था इग्नोर कर दो क्योंकि ये ICAI नहीं पूछेगा। उसके बाद 540, ऐसे ही कहते हैं मत पढ़ के जाना है। उसके बाद 600, नहीं करके जाना। उसके बाद 620 है, ये भी ऐसे ही कहता है ये मत करके जाओ। एंड लास्ट ऐसे 720, ऐसे ही कहते हैं मत करके जाओ। मत करके जाओ मतलब आपको स्पेशली इन्हें नहीं पढ़ना, लेकिन अगर किसी दूसरे आंसर में इनका रेफरेंस आ जाता है तो आपको हल्का सा देख के जाना है कि इसका लॉजिक क्या होता है। बस ये अमेंडमेंट छोटी सी थी और ये मैंने आज इसलिए बताई क्योंकि मुझे ऐसे 330 जो था वो स्टार्ट करवाना था, लेकिन ड्यू टू ICAI नोटिफिकेशन मैं ये नहीं कराऊंगा। मैं डायरेक्ट ऐसे 500 जो है उसे स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। ठीक जी, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट विथ ऐसे 500। ये हमारे दोस्त ने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, इसको 500 कर लेते हैं। आपकी बुक में सही है सर, ये एक्चुअली स्लाइड शो वो कॉपी कर रहा होगा ऐसे का, तो इसलिए उसने ये किया होगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस ध्यान से सुनते जाइए मुझे। ऑडिट एविडेंस, ओके, ऐसे 500। और ये हमारी बुक का पेज नंबर कौन सा स्टार्ट होगा सर आज? पेज नंबर 60, 6060। ओके, ऑडिट एविडेंस सर, ये कहता है ऐसे 500 के बारे में, ऑडिट एविडेंस। ओके, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है ऑब्टेनिंग सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आएगी सर ऑडिट एविडेंस से आपका क्या मतलब है। तो सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे ऑडिट करने जा रहे हो तो ऑडिट करते समय आपको कोई ऐसी बात लगी कि जो आपको अपने फाइनेंशियल यूज़र यानी शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को, गवर्नमेंट को बतानी है। अब आपने उसे लिख तो लिया कि ये मैं बताऊंगा। अब बाद में आपने इसके लिए कोई जो जहाँ से आपने वो एविडेंस चेक किए थे वो आपने रेफरेंस लिखा ही नहीं कि मैंने कहाँ से किया था। फिर आप मीटिंग में खड़े हो गए, आपने कहा सर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका कोई सबूत है कि ये नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि सर सबूत मैंने देखा था लेकिन मैं इकट्ठा करना भूल गया। तो ऐसे केसेस, ऐसे हालात ना हो जाए जहाँ पे आपको पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ लेकिन सच को साबित करने के लिए सबूत लगते हैं। कोई भी अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें यही कहा जाता है कि भैया सच और झूठ, कानून इस बात पे मानता है कि डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे 500 ऑडिट को बताता है, ऑडिटर को बताता है कि भैया अपने एविडेंस साथ में रख के चलिए ताकि आपको फ्यूचर में अगर किसी भी ओपिनियन पे खड़ा होना है, कोई भी ओपिनियन आप देना चाहते हैं आप दीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके लिए पूछेंगे इसकी बुनियाद क्या है। तो ओपिनियन जो भी आप देना चाहते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू एंड फेयर देता है या नहीं देता है, या फिर हो सकता है कि ये एडवर्स ओपिनियन देता हो, जो भी वो दे रहा है आप जो भी कह रहे हो हम एग्री कर रहे हैं कि सर आप सही कह रहे हो। आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हो सर, आप पढ़े लिखे पर्सन हो सर, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, हम इसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है ऑडिट एविडेंस, आप जो कह रहे हो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। ऑब्टेनिंग सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज सर व्हाट इज सफिशियंट? कुछ दिनों पहले आया था किसी ऐसे में तो मैंने आपसे कहा था मैं आगे डिस्कस करूंगा सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर सफिशियंट, सर आपको लग रहा है कि 50 करोड़ का घोटाला हुआ है, आप कितने डॉक्यूमेंट दिखाओगे? तो कम आप इतने डॉक्यूमेंट दिखाओ। सफिशियंट कहता है कि भैया क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। सर क्वांटिटी मतलब आप गए और आपने बोला, आपने गया, आप मीटिंग में गए, मीटिंग में जाके बोला आपने माई लॉर्ड यहाँ पे 50 करोड़ का घोटाला हुआ है, आपकी बातों को कैसे मान ले? तो आप उसके लिए सफिशियंट डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए, जैसे आप बिल दिखाइए ऐसा कुछ,
ऐसी कोई परचेज दिखाइए, आप कोई वीडियो क्लिप दिखा सकते हो सर इसके लिए, सर ये देखिए मैंने भी यहाँ से नोटिस किया था, जैसे फिल्मों में देखते हैं, आप सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट शो करो जिससे ये प्रूव होता हो कि हाँ भैया ये सच कह रहे हैं ऑडिटर भाई साहब, यहाँ घोटाला है। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब, एप्रोप्रिएट का मतलब है 50 करोड़ की आप बात कर रहे हो, अच्छा एप्रोप्रिएट कि आप मुझे ये दिखा रहे हो कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने उन्हें वो मतलब कि लास्ट ईयर वो टी पीते थे, चाय पीते थे 500 रुपये की हर मंथ, इस बार उन्होंने टी पी है 5000 रुपये की हर मंथ। अब आप ये बताओ क्या ये डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट है? अरे यार तुम 50 करोड़ की घोटाले की बात कर रहे हो और तुम मुझे 4500 का डिफरेंस दिखा रहे हो क्योंकि वो चाय की वजह से आए, क्या ये उसके लिए लॉजिकल है? दिस इज कॉल्ड लॉजिकल डॉक्यूमेंट, मतलब आपका डॉक्यूमेंट जिस चीज के लिए भी आप बोल रहे हो वो उससे रिलेट तो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आके खड़े हो गए माई लॉर्ड माई लॉर्ड माई लॉर्ड करते हुए, माई लॉर्ड क्या करेगा वो, माई लॉर्ड लॉर्ड भी कहेगा भैया डॉक्यूमेंट लाओ, और डॉक्यूमेंट ऐसे लाओ जो आपकी बात को जस्टिफाई करते हो। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल SC500 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिट एविडेंस के साथ आप एक ऐसे और देखोगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में हम ये सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी नहीं बाद में। ऑडिट एविडेंस, एविडेंस वो है जिस पे आप रिलाई करके डिसीजन ले रहे हो। तो क्या डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस सेम है? सर हो भी सकते हैं नहीं भी। आपने 500 क्या किया डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपने 500 डॉक्यूमेंट्स जो हैं कलेक्ट कर लिए, मान के चलिए 200 सेल के थे और 200 परचेज के थे और 100 रिटर्न के थे, ये आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में शामिल की बात है, ठीक। अब इस पे मैं किस पे डिसीजन ले रहा हूँ? सर 200 में बिल नंबर 149 है, मुझे उस पर शक है। सर परचेज में बिल नंबर 225 है, मुझे उस पर शक है। सर रिटर्न में, रिटर्न मई की रिटर्न, जून की रिटर्न, अप्रैल की रिटर्न पे मुझे शक है। जिस पे शक है, जिस पे आप बुनियाद बना के आगे काम कर रहे हो, जिस पे आप ओपिनियन ले रहे हो, वो आपको ऑडिट एविडेंस बनेगा। और जिस पे आप ओपिनियन नहीं ले रहे, बस एज अ डॉक्यूमेंटेशन आपने कलेक्ट किया, तो वो डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे एक तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ, जब शादी तय होती है तो लड़का लड़की, लड़कियाँ 10 तरीके के लड़कों से मिलती है जिसे वो पसंद करती है, लड़के 10 तरीके की लड़कियों से मिलते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन एविडेंस वो कहलाएगी जिससे वो शादी करेगा। समझने की कोशिश करो, देखते तो हम बहुत है लेकिन शादी किससे करते हैं, जिसके साथ लाइफ लॉन्ग बिताना है, मतलब डिसीजन किसके बेस पे है, तो वो हमारे लिए एविडेंस कहलाएगा। ओके मैंने बहुत सारी थीम इंट्रोड्यूस कर दी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट एविडेंस, सर क्या समझते हो? तो इसी के साथ हम डेफिनेशन जो है इसकी चेक कर लेंगे क्या होता है। एज एन ऑडिटर हाउ विल यू डिटरमाइन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। अब आप एक ऑडिटर हो, ठीक है, अब एज एन ऑडिटर आप ये कैसे बता पाओगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट सफिशियंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट है, कैसे बता पाओगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं ये बताओ, ठीक है। मैंने समझा दिया है आपको, बस अब मेरे को लिखते कैसे ये दिखाना है। और सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप जिसे कह रहे हो, आपने कैसे पता किया कि वो सफिशियंट है, आपने कैसे पता किया कि वो अप्रोप्रिएट है, हाउ यू डिटरमाइन इट, ओके। और सर आगे बढ़ने से पहले एक बात मुझे कहनी है, आप लोग मुझे कमेंट में बहुत कुछ बोल जाते हो यार, कोई बात नहीं, आप मेरी फैमिली हो, लेकिन थैंक यू बहुत कम बच्चे बोलते हैं, लाइक बहुत कम बच्चे करते हैं। मैं लाइक और थैंक यू का भूखा नहीं हूँ, बट एटलीस्ट कुछ नहीं कहते आप लोग तो कुछ मत कहो, लेकिन इतने सारे जो क्वेश्चन आप मेरे लिए रख देते हो, इतनी सारी बातें आप जो रख देते हो, उससे अच्छा एक थैंक यू बोल दो यार, मैं अपने आप मोटिवेट होकर बहुत काम कर दूंगा। चलिए अब इसके आंसर को एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आंसर SC5500 डिफाइंस, हमारा ऐसे जो 500 डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो मैं इसको और अच्छे से ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस टेंटेड एन एज, ये क्या है, एज इंफॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर, एक ऐसी जानकारी है जिसे ऑडिटर ने प्रयोग किया है अराइविंग एट कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। ऑडिट एविडेंस क्या है, एक ऐसी जानकारी है जिसका ऑडिटर ने यूज किया है कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, और इस कंक्लूजन पे पहुंच के ऑडिटर भैया अपना ओपिनियन जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा लाइक इन्फॉर्मेशन बी सच इन्फॉर्मेशन विच आर कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हो सकता है कि ये आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो या कोई अदर इन्फॉर्मेशन हो, ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। तो सर एग्जाम के लिए अगर मुझे याद रखना है तो मैं क्या याद रखूंगा, देखो एग्जाम के लिए
मैं याद रखूंगा एस ए 500, ये किसको डिफाइन करता है? ऑडिट एविडेंस को. ये क्या कहता है कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसका यूज़ कौन करता है? ऑडिटर करता है. ऑडिटर क्या करता है? इससे कंक्लूजन पे आता है और उस कंक्लूजन के बेस पे वो अपना ओपिनियन जो है वो डिसाइड करता है. मेरे लिए काम की बात एग्जाम में ये कीवर्ड्स है जो मुझे लिखने हैं. एक बच्चे का कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में कि भैया हम सर ये एसे का नंबर लिखना जरूरी है, याद करना जरूरी है? सर इतने प्यार से पढ़ाने के बाद भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं आप पे डाउटिंग करूँगा कि सर आप रिविज़न सही से नहीं करें. सर कीवर्ड्स लिखना जरूरी है यार, कुछ लिखो ही मत एग्ज़ाम में, पास ऑटोमेटिक हो जाओगे. आप बताओ, इतनी मेहनत से ये बुक आपने खरीदी है, आपने परचेज़ की, इतनी मेहनत से आप वीडियो देख रहे हो, थोड़े से रिवीजन पे एफर्ट लगा दो, पास हो जाओगे यार. समझ पा रहे हो आप? मेहनत करनी पड़ेगी. अगर मेहनत नहीं करनी है तो चाय बेचो, मैकेनिक बन जाओ, ऐसा काम करो जहां आपको मेहनत ना लगती हो. अब सीए आपको बनना है, आपको एक प्रोफेशनल बनना है, एमबीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, पता नहीं क्या क्या करना है, तो थोड़ी सी मेहनत तो बल लगेगी ना, थोड़ी सी मेहनत करो. ये हो गया आपका कंक्लूजन इसका. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ऑडिटर को मस्ट ऑब्टेन मतलब उसको प्राप्त करने पड़ेंगे, इकट्ठा करने पड़ेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. इसको शॉर्ट में SAAE भी कहा जाता है. ओके, टू ड्रॉ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्यों ऐसा क्यों करना है? ताकि हम रीजनेबल कंसिडरेशन दे पाए आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. अच्छा, वर सफिशियंट वर्ड रेफर्स टू क्वांटम, मतलब क्वांटिटी को दर्शाता है, ऑफ ऑडिट एविडेंस. एंड अप्रोप्रिएट वर्ड रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. तो आपको ऐसे लिखना है कि जो ऑडिट एविडेंस है, एविडेंस जब हम बात करेंगे कि ऑडिट एविडेंस में क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ, कितने आपके पास एविडेंसेस हैं, तो एविडेंस की जब बात करते हैं नंबर ऑफ एविडेंस की, तो आप ये कहोगे कि नंबर ऑफ एविडेंस है हमारे पास क्वांटिटी में, तो हम इसको बोलते हैं सफिशियंट, मतलब क्वांटिटी सफिशियंट. और जब हम बात करते हैं क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, उसका लॉजिक उसके पीछे कितना है, वो कितने मतलब कितना जस्टिफाई करता है उस सिचुएशन को, उस पॉइंट को, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्वालिटी है. और क्वालिटी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट. तो ये बात मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बोल चुका था, ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट इज द ऑडिटर शैल डिज़ाइन एंड परफॉर्म फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. आपको सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए तो आपको फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. पहला, टेस्ट ऑफ कंट्रोल. टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम ये देखेंगे कि कंट्रोल कैसा है. कंट्रोल मतलब मैंने लास्ट एक आपको ऐसे पढ़ाया था, ऐसे 315, ऐसे 320, इसमें मैंने बात की थी कि भैया हमें कंट्रोल चेक करना है कि जो मैनेजमेंट है, जो TCWG है या कोई अदर पर्सोनल है, मैंने आपको लिखवाया था, क्या इन्होंने कंट्रोल लगाया है? पहला क्वेश्चन, लगाया है तो मैं उसे टेस्ट करूंगा कि वो स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग है या वीक है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था 7 ताले लगाने, आपने लगा दिए 7 लॉक्स, लेकिन वो ऐसे लॉक है कि उसे किसी भी चाबी से खोला जा सकता है, तो वो वीक कंट्रोल है. अगर कंट्रोल वीक है तो हमारा जो रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा, मुझे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ज़्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्वालिटी ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी. अगर वहाँ कंट्रोल स्ट्रांग है, अगर वहाँ पे कंट्रोल स्ट्रांग है तो मुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी क्वांटिटी भी कम रहेगी तो चलेगा, मेरी क्वालिटी भी कम रहेगी तो चलेगा. डिपेंड अपॉन कंट्रोल्स. ओके, नाउ सेकंड इज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर. सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब आपने कंट्रोल चेक कर लिया कि भैया वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है. रिस्क ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्वालिटी भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी. जहाँ पे मैं 2 डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा था, अब मुझे 5 करने पड़ेंगे. जहाँ पे क्वालिटी में मेजर कर रहा था 60%, अब मुझे क्वालिटी को जाना पड़ेगा 80%. इस तरीके से मेरा सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर जो होगा वो बढ़ जाएगा. सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर एनी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड अपॉन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट. कि ऑडिटर को क्या लगता है. अब ये हर चीज़ तो बताई नहीं जा सकती ना. क्वेश्चन ने कहा कि बताओ सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट कैसे डिसाइड होगा, तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, जिसमें फेकू जो बच्चे होंगे, जो फेंकते हैं आंसर, वो कुछ भी लिखे आएंगे. और जो समझदार बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस तरीके से लिखेंगे कि भैया सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट जो है ये किसी बुक में डिफाइन नहीं है, ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिसाइड करता है, उसे जो सफिशियंट लगेगा वो सफिशियंट है, उसे जो अप्रोप्रिएट लगेगा वो अप्रोप्रिएट है. हाउएवर
वाइल एक्सरसाइज हिज जजमेंट, वो जब भी अपनी जजमेंट ले रहा है सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो उसको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी होगी। सर क्या है वो बातें? फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग सफिशियंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो भैया उसे तीन बातों का ख्याल रखना होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं? एक है एम, वो मटेरियल है या नहीं है। आप ऐसा डॉक्यूमेंट मत कलेक्ट करो जो मटेरियल ना हो, ठीक है? ओके, रिस्क कितना है? रिस्क ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मटेरियल जो आप ढूंढ रहे हो वो बढ़ जाएगा, तो आप छोटी छोटी चीज़ में मटेरियल ढूंढोगे। अगर रिस्क कम है तो आप मटेरियल, अगर मान लो रिस्क ज़्यादा है तो आप 5,000 की कंसिडरेशन को ही मटेरियल मानोगे, और रिस्क अगर कम है तो अगर 50,000 तक की दिक्कत है तो आपको क्या, अच्छा ठीक है ये मटेरियल है। मतलब रिस्क के ऊपर डिसाइड करेगा मेटेलिटी कितनी हो रही है। ओके, नेक्स्ट है रिस्क, और उसके बाद हमें आता है ध्यान देने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर आप ये बोल दो पॉपुलेशन। तो आप ये बोल सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर है? एमआरपी है। फैक्टर कौन से हैं? एमआरपी, मेटेलिटी, रिस्क एंड पॉपुलेशन ऑफ द आइटम, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन ऑफ आइटम। मान लो सेल की बिल हैं पूरे साल में 50, तो इसमें से आपने 5 बिल चेक कर लिया चलेगा, लेकिन सेल के बिल हैं आपके 5,000, अब बताओ कितने चेक करोगे? तो एटलीस्ट 50 तो चेक करने पड़ेंगे। तो ये है पॉपुलेशन का इम्पैक्ट, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा ही नंबर ऑफ बिल्स आपको चेक करने पड़ेंगे, और जितनी कम जनसंख्या होगी, जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतने आपको कम करने पड़ेंगे, ठीक? ओके, फैक्टर्स। एक और सर बात ध्यान में रखनी है, फैक्टर्स टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर अप्रोप्रिएट ये है सफिशियंसी, यह हमने चेक किया सफिशियंट यानी क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट यहां पे हम बात करेंगे क्वालिटी की। तो सर क्वालिटी को चेक करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे। सर क्या क्या है? पहला रिलेवेंसी, जो भी आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हो जिस पॉइंट को भी लेके, क्या वो रिलेवेंट है? और रिलायबिलिटी, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हो? अब मान लो रात को 11 बजे आपको कॉल आएगी, भाई तू करोड़पति बन गया, अब आप पागल हो गए, सवेरे हार्ट अटैक आ गया खुशी से आपको, और अगले दिन आपके दोस्तों कॉल आते हैं, अबे अप्रैल फुल बना रहा था, क्या वो रिलायबल है? रिलेवेंस का मतलब है जो भी आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट है, जो भी आप सेल चेक कर रहे हो, तो क्या वो रिलेवेंट है? रिलेवेंट कहता है कि भैया वो चीज़ उस काम को बिलोंग करती है या नहीं करती है। रिलायबिलिटी मतलब आप उस डॉक्यूमेंट पे कितना ट्रस्ट करते हो नहीं करते हो, अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद है तो वो उसकी क्वालिटी को इंडिकेट करती है। ओके, देयर आर टू पॉइंट, दैट इज रिलेवेंसी एंड सेकेंड पॉइंट इज रिलायबिलिटी। इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। ओके, नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर ये बहुत ईजी है, इसको आप मान के चलो 5 स्टार दे सकते हो, लेकिन लर्न टू ईजी बहुत ईजी है। सर ऑडिट एविडेंस कितने टाइप के होते हैं? तो सर दो टाइप के होते हैं, एक नेचर के अकॉर्डिंग और एक आपका होता है सोर्स के अकॉर्डिंग। सर नेचर के अकॉर्डिंग भी दो टाइप के और सोर्स के अकॉर्डिंग भी दो टाइप के। सर नेचर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो एक है विजुअल, जिसे आप देखते हो मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ, दिस इज विजुअल, जिसमें एग्जांपल है ऑब्जर्वेशन, आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हो कि वहाँ चीज़ें सही हो रही हैं या गलत हो रही है। जैसे आप ट्रैफिक हवलदार को देखते हो कई बार कि 100 रुपये दे के मान गया, दिस इज विजुअल। कई बार आप देखते हो कि भाई वो कहते हैं फाइन लगना है तो लगना है, ठीक है। और एक होता है ओरल, ओरल का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि भैया आप क्या कर रहे हो, इंक्वायरी, आप जाके खुद से पूछ रहे हो कॉल करके या बंदे से पर्सनल मीटिंग सेट करके, आप बताओ ये सही है या गलत है। ओके, उसके बाद है सोर्स। सोर्स देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल सोर्स, इंटरनल वो है जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करवा रही है, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से पूछ रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन का कोई डॉक्यूमेंट देख के चेक कर रहे हो, तो ये होता है इंटरनल। जैसे कॉपी ऑफ इनवॉइस, जो भी इनवॉइस की कॉपी दी जा रही है आपको, ठीक है, आपको वाउचर दिया जा रहा है, ये सब इंटरनल है। और उसके बाद है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या है? परचेज इनवॉइस, क्योंकि जो परचेज इनवॉइस है वो मैंने नहीं बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया, वो जिससे हमने खरीदा था उसने बना के दिया है,
अच्छा सर बैंक स्टेटमेंट, तो सर बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल हो जाएगा, क्योंकि ये बैंक ने बना के दिया है, हमने खुद से नहीं बनाया। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर टू, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। एग्जाम में इतना ही आपको लिखना है, इसमें सबसे पहले तो SA 500 को इंट्रोड्यूस करना है, मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर देना और अच्छा लगेगा। ऐसे यूज बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजिंग ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, सच इन्फॉर्मेशन मे बी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। नाउ फर्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन नेचर, डिपेंडिंग अपॉन नेचर फर्स्ट इज विजुअल ऑडिट एविडेंस एंड सेकेंड वन इज ऑरल ऑडिट एविडेंस एंड देर इज एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल एग्जाम में लिखने हैं? डेफिनेटली लिखने। सर सर क्या छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। सर क्यों? मार्क्स कट जाएंगे सर। सर 5 मार्क का क्वेश्चन है, 4 नंबर आपके डाटा लिखने के हैं, जैसे अब मैंने लिखा है, दूसरा आपको मिलेंगे एग्जाम्पल लिखने के 1 से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स हेडिंग के, 2 मार्क्स एग्जाम्पल के, सोच लो सर 5 मार्क्स। और दूसरा है सर आपका, इसमें एक आ गया डॉक्यूमेंट्री। सर डॉक्यूमेंटेशन तो आपने बताया ही नहीं। सर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? जो भी अभी मैं आपको बता रहा था, ऑडिट एविडेंस मतलब सेल के 50 इनवॉइस आपने चेक किए, आपने परचेज के जितने चेक किए, आपने रिटर्न चेक किए, जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंटेशन में कहलाता है। ओके ओके नाउ वी हैव डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, तो इंटरनल ऑडिट एविडेंस एंड नेक्स्ट वन हैव एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। तो सर ये आपने लिखने का टाइम तो दिया नहीं, तो भैया आप ही ने कहा था मुझसे कमेंट में कि सर हम रोक रोक के लिख लेंगे, तो आप लिख लेना, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों ने बुक परचेज की है कमेंट बॉक्स से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो उनको तो डाटा सारा कंटेंट पता ही है सर क्या लिखना है। वैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ उन बच्चों के लिए जो हो सकता है कि, हाँ आप लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, रोक के लिख लेना, ठीक है। और सच बता रहा हूँ, टाइम बचाना हो तो बुक ले लेना आप, उससे क्या होगा आपका टाइम बच जाएगा। ओके नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायबिलिटी ऑन ऑडिट एविडेंस। आप कैसे डिसाइड करोगे ऑडिट एविडेंस रिलायबल है या नहीं है? ओके तो ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें टोटल ओवरऑल आपको 6 बातें चेक करनी है, 6 बातें चेक करनी है। सबसे पहले तो आप इसमें एसे का नाम क्या है वो लिखोगे, एज द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 500 द ऑडिटर मस्ट ऑप्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये तो एसे का अपने आप में नाम ही हो गया। टू कंक्लूड फॉर द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑन इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द फैक्टर, कि भैया हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंक्लूड कर पाए, ओपिनियन दे पाए, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा वो रिलायबल है या नहीं है। तो इसमें हमें उसको वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो सर ये पैराग्राफ क्या था? ये इंट्रो था, इंट्रो टू एसे, बस। इससे तो एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसको हर आंसर में अगर 500 का आता है तो आप लिख सकते हो। अब रिलायबिलिटी है या नहीं है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेचर क्या है, कहाँ से आपने कलेक्ट किया। अभी आपने पढ़ा था नेचर, नेचर विजुअल है या फिर ओरल है या डॉक्यूमेंट्री है, क्या है सोर्स, क्या है सोर्स मतलब आपने इंटरनल से कलेक्ट किया, एक्सटर्नल से कलेक्ट किया, वो सरकमस्टांसेस क्या थे, किस बेस पे आपने वो कनेक्ट किया, ये डिसाइड करेगी इसकी रिलायबिलिटी। ओके रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस किस पे डिसाइड करता है? नेचर पे, सोर्स पे एंड सरकमस्टांसेस पे। सोर्स डिसाइड करेगा कि वो विजुअल है, ओरल है, डॉक्यूमेंटेशन है। सोर्स डिसाइड करेगा वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो अगर मान लो वो विजुअल है, अपने आंखों से देखा आपने, और एक्सटर्नल है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा। विजुअल है लेकिन इंटरनल है, तो वो थोड़ा कम रिलायबल होगा। डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सटर्नल है, सुपर रिलायबल होगा। डॉक्यूमेंटेशन है लेकिन इंटरनल है, तो थोड़ा कम रिलायबल होगा। इस तरीके से आप उसकी रिलायबिलिटी जो है वो सेट कर सकते हो। सर थर्ड पॉइंट कहता है डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट एविडेंस आर मोर रिलायबल, कि जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस है वो ज़्यादा रिलायबल होंगे देन विजुअल और ओरल ऑडिट एविडेंस। भैया विजुअल और ओरल से ज़्यादा है डॉक्यूमेंटेशन, कौन ज़्यादा रिलायबल है? डॉक्यूमेंटेशन मतलब वो रिटन है, सामने वाला मना नहीं कर सकता। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर मोर रिलायबल देन फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आप ओरिजिनल इकट्ठा करें, फोटो कॉपी से काम ना चलाएं। एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस आर मोर रिलायबल इन इंटरनल ऑडिट एविडेंस, मतलब ये सब बातें आप लिख सकते हो। अब एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। ओके 6 पॉइंट इसमें आता है, ऑडिट एविडेंस बाय ऑडिटर हिमसेल्फ बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर आर मोर रिलायबल, मतलब अगर आप कोई भी ऑडिट एविडेंस खुद से कलेक्ट करते हो तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा, किसी और ने कलेक्ट करके दिया है, वर्किंग टीम ने कलेक्ट करके दिया है, तो थोड़ा कम रिलायबल होगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है।
नाउ माई डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू क्वेश्चन राइट नाउ. क्वेश्चन नंबर 3, वाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स और मैथड्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस. ठीक है, इसमें आपका टेक्निक और मेथड बताया गया है. पहला बताया गया इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन मतलब होता है पूछ के, सर आप यहाँ पे कितने बजे आते हो रोज. सर 10 बजे आता हूँ. कब जाते हो. सर 8 बजे जाता हूँ. सर आप कितने सालों से काम कर रहे हो. 10 सालों से. अच्छा सर आप टैक्स का काम देखते हो. हाँ सर मैं टैक्स का काम देखता हूँ. सर आपको GST भी कमांड है. हाँ सर. सर आप GST की रिटर्न भी भरते हो. हाँ सर. सर कब डेट है. सर 15 तारीख. अब वो तो गलत बोल दिया उसने. 20 तारीख क्रेडिट होती है पेमेंट की. 20 तारीख तक टैक्स की रिटर्न चली जानी चाहिए पेमेंट के साथ. सर अगर लेट भी भर सकते हैं. हाँ सर हम 25-30 तक भी भर सकते हैं. सर फाइन देते हो. नहीं सर. अब ये तो झूठ बोल रहा है. एक तो कह रहा है वर्किंग एक्सपीरियंस 10 साल है और उसको ये नहीं पता कि 20 तारीख के बाद पेनल्टी लगती है. दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन. दूसरा है हमारे पास कंप्यूटेशन और रिकैलकुलेशन. कंप्यूटेशन और रिकैलकुलेशन मतलब आपने देखा कि मतलब कि एक है बिल 285,000 का और उस पर 18% GST है 25,000 का और टोटल कितने हो गए. ये हो गए आपके 90 और ये हो गया 3,10,000 का बिल. अब रिकैलकुलेशन क्या कहती है. इसको आप चेक करना जरा सही है क्या. आइए सर हम भी चेक कर लेते हैं इसी बहाने. अब हम भी चेक करेंगे तो हम कैसे चेक करेंगे. आओ हम भी चेक करते हैं. आइए सर आइए चेक करते हैं. सर इसने 285,000 का बिल बनाया. इस पर 18% GST. तो पहली गलती तो यहीं पे मुझे लग रहा है हो जाएगी. सर 18% GST तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था. ये मुझसे कैलकुलेटर चलाने में लग रहा है मिस्टेक हो गई. 10 10 10 एन सर ये बता रहा है 51,300 का आपका होना चाहिए था. सर इतना होता है कि टैक्स. दोबारा से कैलकुलेट करना. सर आप ही गलती कर रहे हो. सर आपने गलती की है. अच्छा मैं दोबारा से देखता हूँ अपने कैलकुलेटर पे. लग रहा है मुझसे कुछ गलत टाइप हुआ है. सर सही है. 285,000 का 18% होता है 25,000 होता है. सर गलत. मैंने रिकैलकुलेशन किया और मुझे पता चला 51,300 ये बिल होना चाहिए था. 285,000 प्लस 51,300. अब आप इसे ऐड करेंगे तो अब आप जब इसे ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे 285,000 प्लस 51,300 तो ये 336,300 हो जाएगा. 336,300. अब सर ये बताओ गलती आई कि नहीं आई. हाँ सर गलती आई. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड. दिस इज कॉल्ड कंप्यूटेशन एंड रिकैलकुलेशन. कंप्यूटेशन एंड रिकैलकुलेशन में आप यही काम करने वाले हो. आप क्या करोगे. आप कैलकुलेट करके देखोगे कि ये सही जा रहा है या गलत जा रहा है. ओके माय डियर फ्रेंड्स ये हो गया आपका सेकेंड. थर्ड है आपके पास एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. आप पूछ के तो देखो. एक्सटर्नल कंफर्मेशन. अच्छा पूछ के देखो मतलब मैं आउटसाइडर से पता लगाता हूँ. लेट सपोज क्रेडिटर जो है हमारे अकाउंट में मतलब बिजनेस के अकाउंट में दिखा रखा है कि जो क्रेडिटर है उसको टू बैंक कर रखा है. टू कैश कर रखा है. लेट सपोज 2 लाख 2 लाख. मैंने क्रेडिटर को कॉल लगाया. मैंने कहा आपको पैसे मिले हैं. उसने कहा नहीं मिले सर. मैंने कहा यार अकाउंट में यहाँ पे तो दिखा रहे दे रखा है. उसने कहा सर मेरे तो 4 महीने से कोई पैसे नहीं मिले. लास्ट टाइम कितने मिले थे. सर 10,000. अभी ये दिखा रहा है 2 लाख. दिस कॉल्ड एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. आप बाहर वालों से पूछ सकते हो. फोर्थ आपके पास आता है एनालिटिकल रिव्यू. इसमें क्या होता है. हम इसमें स्टडी करते हैं. किसकी स्टडी करते हैं. सर रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप की. रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है. जैसे मेरा प्रॉफिट है 20, मेरा सेलिंग प्राइस है 100, यानी मैं 20% अर्निंग करता हूँ. दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप. एंड कंपैरिजन करता हूँ. इसमें मुझे क्या करना होता है. कंपैरिजन
किसमें सर? फाइनेंशियल डाटा और नॉन फाइनेंशियल डाटा में। ओके, फिफ्थ मेरे पास टॉपिक आता है सर इंक्वायरी का। इंक्वायरी इंक्वायरी होता है पूछताछ। सर इंस्पेक्शन और इंक्वायरी में क्या अंतर है? इंक्वायरी मतलब होता है, इंस्पेक्शन होता है मैंने जाके उसे इंफॉर्मेशन निकाली। इंक्वायरी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैंने पूछा सर ये आपने कैसे किया, तो जब वो मुझे इसका आंसर देता है दिस इज कॉल्ड इंक्वायरी। फिर सर एक टॉपिक है री री परफॉर्मेंस। सर ये क्या होता है? ये मान लो उसका सॉफ्टवेयर है टैली का, मैंने आज तक यूज़ किया, उसका है बेली का, बेली में वो एंट्री डालता है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट आ जाता है। मैंने एक फेक एंट्री डाली, फेक एंट्री डाली मैंने डाली कि असेट पे, तो असेट पे लेट सपोज वो इंटेंजिबल असेट्स थी, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स आपका डेप्रिसिएशन जो है वो आना चाहिए 25% का, और इसने कुछ इस तरीके से डाल दिया, इसने इस तरीके से कुछ डाल दिया है इंटेंजिबल असेट्स के बारे में कि वो डायरेक्ट 50% का डेप्रिसिएशन लगा रहे। तो री परफॉर्मेंस मतलब मैं उसके काम को एक बार खुद से करके देखूंगा कि क्या वही रिजल्ट आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। अच्छा, सेवन्थ है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है खड़े रह के वहां पे देखो। ऑब्जर्वेशन कहता है खड़े रह के वहां पे देखो कि चीजें कैसे हो रही हैं। कई बार कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं होती, कई बार देख के पता लगा लिया जाता है कि भैया ये चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही है और कब तक होंगी, और इसका रिजल्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या पकड़ रहा है। ठीक है, और जैसे कैश का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, कैश है। अब कैश पे जो जिस बंदे को बैठाया है वो चाय पीने गया है, चपरासी आया, उसने 50 रुपये निकाले और चाय वाले को दे दिए, तो क्या उसका राइट है वहाँ हाथ रखने का? नहीं है। यानी यहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। कोई भी पर्सन अब अकाउंटेंट है, फाइनेंस मैनेजर आया, उसने क्या किया वहाँ पे परचेज और सेल में कोई एंट्री डाल दी और चला गया। यानी पासवर्ड आईडी भी नहीं है, कोई भी आके छेड़ सकता है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, देख के सीखना। ओके, तो मैंने सारी डिस्कशन आपको दे दी है। अब मैं एक बार अपनी बुक जो आपको दे रखी है उससे एक बार रीडिंग कर लेते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 500 द ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू कंक्लूड फॉर द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर दिस पर्पज द ऑडिटर डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड एसएपी सबस्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। ओके, ये वर्ड अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखे थे, तो वहाँ से आप फुल फॉर्म देख सकते हो। सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे एसए 500 का। फॉलोइंग आर द ऑडिट टेक्निक एंड मेथड्स टू परफॉर्म। सबसे पहला है इंस्पेक्शन। चलिए मैं वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलता हूँ, फास्ट करूँगा क्योंकि मैं समझा चुका हूँ, तो अब मैं बस आपको क्या करूँगा रीड करके दूंगा। तो इसमें हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं टेंजिबल असेट्स डॉक्यूमेंट को कि भैया बताओ ये क्या है, कैसे जाके फाइल मांगूंगा, फाइल मांग के पूछूंगा बताओ क्या है। फिर मैं इंस्पेक्शन करूंगा जो टेंजिबल असेट्स दिखा रहे हो क्या वो रिलायबल है। अच्छा रिलायबल है तो मुझे ऑडिट एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि क्या है उसका। अच्छा फिर मैं देखना दूंगा उसकी एग्जिस्टेंस है क्या, जो आप दिखा रहे हो मुझे बुक्स के अंदर क्या वो वहाँ पे है भी या नहीं है। इंस्पेक्शन करूंगा रिकॉर्ड की, उसके रिकॉर्ड है या नहीं है, बिल है, इनवॉइस है, डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रोवाइड की गई ऑडिट एविडेंस के तौर पे, और उसमें मैं ये बातें जो है वो देख सकता हूँ। जैसे ये हमने इसे हम बोला था असर्शन, हमने लास्ट ऑडिट में सीखा था लास्ट पार्ट में असर्शन, अकरेंस है कि नहीं है, कंप्लीटनेस है कि नहीं है। अकरेंस होता है रिकॉर्डिंग, कंप्लीटनेस मतलब पूरी जानकारी उसमें रिकॉर्ड है कि नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन ओमिशन तो नहीं हुई है, एक्यूरेसी है या नहीं है, क्लासिफिकेशन फिक्स असेट्स करेंट असेट्स टेंजिबल असेट्स इन्वेस्टमेंट कहाँ है, कट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट क्या है, कट ऑफ मतलब जिस पीरियड की जो ट्रांजेक्शन है वो वैसे है कि नहीं है। उसके बाद कंप्लीटनेस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी कि जो भी असेट और लाइबिलिटी है उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, कुछ ट्रांजेक्शन छोड़ तो नहीं दी है इंटरेस्ट की या फिर डेप्रिसिएशन वगैरह की या फिर लोन रीपेमेंट की या फिर चार्ज की, एग्जिस्टिंग ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी शो हो रही है क्या वहाँ पे। अच्छा असेट है तो उसका मालिक कौन है, कंपनी के नाम पे है या नहीं है। लाइबिलिटी और असेट का वैल्यूएशन मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। ओके, थर्ड है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवरऑल इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है। अगर लोन की रीपेमेंट है तो प्रिंसिपल अमाउंट में से लेस है या नहीं है, इंटरेस्ट की रीपेमेंट है तो लेस तो होना चाहिए लेकिन पीएल अकाउंट में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है एज एन एक्सपेंस। मैं सारी चीज़ों को वहाँ पे इंस्पेक्ट करने की कोशिश करूँगा। नाउ सेकेंड वी हैव कंप्यूटेशन एंड रिकैलकुलेशन। सर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इट कंसिस्ट चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड।
कि भैया मैं मैथमेटिकल कैलकुलेट करके देखूंगा। जैसे मैंने आपको 2,85,000 कहा, तो उस बंदे ने क्या किया, 25,000 ऐड कर दिया। क्या ये सही था? नहीं सर, इसमें गलती थी। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्यूरेसी। कैलकुलेशन में भी परफॉर्म मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। ऑडिटर शुड एग्जामिन कंप्यूटेशन ऑफ ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। ओके, लाइक डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ईटीसी। मतलब सारी बातें जितना भी पॉसिबल होगा अकॉर्डिंग टू टाइम मैं चेक करके देखूंगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन इज एन ऑडिट टेक्निक। सर दिस इज द ऑडिट टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एज डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी, जहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी जो है वो सपोर्ट करता है। जैसे मैंने कहा सर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चेक करनी है, मुझे बैंक स्टेटमेंट ला के दो, तो जहाँ भी अकाउंट होगा वो बैंक स्टेटमेंट ला के देगा। तो थर्ड पार्टी कन्फर्म कर रही है कि भैया ये बैंक की ट्रांजेक्शन है और उसने वो रिकॉर्ड कर रही है, आप चेक कर लेना। हो सकता है पेपर में हो या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी PDF वगैरह में भी हो सकता है। ओके, ऑडिटर में कंफर्म क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्टर एंड क्रेडिटर्स डायरेक्टली फ्रॉम डेप्टर एंड क्रेडिटर्स। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्रेडिटर को 1,00,000 की पेमेंट गई हुई है, क्रेडिटर टू कैश 1,00,000, लेकिन वो कह रहा है कि भैया 10,000 से ऊपर पेमेंट ही नहीं आई 4 महीने से। तो ये हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन झूठ बोल रही हो, तो मैं क्रेडिटर से या डेप्टर से कन्फर्म कर सकता हूँ। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या कहता है? एनालिटिकल रिवर्व इज इवेल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एंड कंपेरिजन अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। ओके, अच्छा यहाँ पे इन्होंने हेडिंग गलत कर दी है। ये है हेडिंग एनालिटिकल रिव्यू। सर बुक में सही है, आप बुक के लिए परेशान मत होना, बुक में सही है, स्लाइड शो में इन्होंने गलत लिखा है। ओके, सो नॉट एन इशू एट ऑल, मैं इसको यहाँ पे ठीक भी करवा लेता हूँ, अभी कर देता हूँ खुद ही, ताकि मेरे दोस्तों को दिक्कत ना हो। हाँ एनालिटिकल, ओके फाइन। वही मैं कहूँ ये कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, लेकिन ये कुछ गलत सा लिखा हुआ लग रहा है। चलो कोई नहीं, अब ठीक हो गया। ओके ओके, तो ये हमारा हो गया एनालिटिकल। नेक्स्ट वी हैव इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या कहते हैं? इंक्वायरी कहते हैं कंसिस्टिंग सीकिंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। भैया मुझे जिस चीज़ की जानकारी लेनी है, नॉलेजेबल पर्सन जिसको वहाँ के बारे में पता है, वो मुझे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा की जानकारी देगा। दिस इज कॉल्ड इंक्वायरी। इंक्वायरी में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज, हो सकता है मैं मेल टाइप करके या फिर मैसेज करके या व्हाट्सएप करके या किसी भी तरीके से रिटर्न लेटर भेज के उससे मंगवा सकता हूँ, और हो सकता है ये ओरल इंक्वायरी भी हो सकती है मैनेजमेंट या TCWG से। लेकिन अगर ये रिटर्न रहेगी तो वो ज़्यादा बेटर है। एज पर SA 200 ऑडिटर हैज़ टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। मतलब वो स्केप्टिज्म का मतलब होता है CID वाला दिमाग, दया कुछ तो गड़बड़ है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कई भी चीज़, अभी आपने एक मूवी देखी होगी सोनू और टिट्टू की वेडिंग करके, सोनू टिट्टू एंड स्वीटी वेडिंग्स, पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम था। उस मूवी में यही था, उसका दोस्त हमेशा कहता था कि भाई लड़की इतनी सीधी निकल जाए तो भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कलयुग में इतनी अच्छी फैमिली मैंने नहीं देखी। तो हो सकता है कोई गड़बड़ हो, तो इसलिए हमेशा दिमाग मेंटेन एन एटीट्यूड आपके दिमाग में होना चाहिए थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सो ऑडिटर शुड कंडक्ट इंक्वायरीज थ्रू आउट द पीरियड। तो हमेशा उसे पूछताछ करते रहने चाहिए, कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन उसको मिलती रहेगी। एंगेजमेंट बट इट इज़ नॉट सब्सटीट्यूशन ऑफ अदर ऑडिट टेक्निक्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी काम नहीं करेंगे, बाकी भी करते रहो, लेकिन अपनी जो पूछताछ है उसको हमेशा कंटिन्यू रखना है। ऑडिटर हैज़ टू परफॉर्म अदर ऑडिट टेक्निक इज इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब उसे लग रहा है कि मैं इंक्वायरी करके सब कुछ कर लूँगा, तो वो भी जरूरी नहीं है, आपको सब कुछ टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड द ऑडिटर में ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन विच डिड नॉट प्रीवियसली पास पोजेस और ऑडिटर में ऑब्टेन एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं भैया इंक्वायरी करते रहो, हो सकता है कि हो सकता है आपने पिछली बार वो इंक्वायरी में ना पूछा हो, या फिर ये भी हो सकता है आपको कोई नई जानकारी पूछताछ के बहाने मिल जाए। ओके, जैसे आपने वो मूवी देखी थी सोनू और टिट्टू वाली,
उसमें उसको पता चलता है कि उस लड़की की पहले भी रोका हो चुका है, शादी हो चुकी है, और ये हमें उसने बताया नहीं। फिर उसका दोस्त बोलता है यार मुझे पता था, मैंने नहीं बताया। तो पूछताछ करते रहना चाहिए। ये मूवी और ये जो सोसाइटी है ये आपको अपने आप सिखाता है। एक ऑडिटर का मतलब आपको सिखाया तो जा रहा है, लेकिन जनरली आपके दिमाग में खुद से ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप नई चीज़ों को पूछताछ करके जान सकें। फिफ्थ पॉइंट इज इवोल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ इंक्वायरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस। इवोल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ इंक्वायरी मतलब जो भी इंक्वायरी की उसमें जो रिस्पॉन्स आया उसका हमारे लिए क्या फायदा क्या नुकसान, ये भी इंक्वायरी की प्रोसेस में आपको शामिल रखना है। ये नहीं कि बस पूछ लिया हो गया, नहीं, उसका ओवरऑल डिसीजन मेकिंग पे क्या इम्पैक्ट आया ये आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट वन इज री परफॉर्मेंस। री परफॉर्मेंस मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म। जो काम स्टाफ मेंबर कर रहे हैं एंटिटी के, उस काम को एक बार आप भी करके देखिए क्या वो सही है या नहीं है। एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, आप खुद से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन आप खुद से बना के देखो, वो तो दे ही रहे हैं, एक बार आप भी ट्राई करके देखो वो सही है या नहीं है। सेवंथ है ऑब्जर्वेशन, इट कंसिस्ट लुकिंग एट प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर। मतलब जो लोग दूसरे लोग काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा, या ध्यान देते रहो अपने आप चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। ऑडिटर ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट बाय मैनेजमेंट, कि वो काउंट करेंगे ठीक है, लेकिन आप वहाँ बैठ के पानी का गिलास चाय का गिलास लेके बैठ जाओ और आप देखते रहो कि वो काउंटिंग सही से कर रहे हैं या नहीं है। ओके नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एक बड़ा वाला थैंक यू मुझे चाहिए यार। सर क्यों दे थैंक यू आपको यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बच्चे की जान लोगे। ओके क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूजिंग एनी इन्फॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। सर नहीं समझ में आया, दोबारा समझाओ। व्हाट आर द ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जबकि जब वो यूज़ कर रहा है इन्फॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस, मतलब वो ऑडिट एविडेंस के तौर पे इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा है, तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड, जो आपने बनाए जो कि बनाई गई है, यानी ये जो ऑडिट एविडेंस बनाया गया है ये मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट, और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे अगर आप उसे ऑडिट एविडेंस मान रहे हो तो। तो सर सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि भैया ऑर्गेनाइजेशन किसकी, मैनेजमेंट की, एक्सपर्ट किसका, मैनेजमेंट का, एविडेंस किसका, मैनेजमेंट का, तो हो सकता है यहाँ कोई गलती हो। तो ऑडिटर को क्या क्या बातों का ख्याल रखना है ये आपको बताने के लिए कहा गया है, कि आप बताओ किन बातों का ख्याल रखोगे आप। आंसर है सर सबसे पहले SA 500, तो ये तो भैया इंट्रो हो गया, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अब ये तीन चार बार हो गया तब तो याद भी हो जाना चाहिए। एज पर द एसे बिफोर यूजिंग एनी सच इन्फॉर्मेशन, कहता है कि ऐसे कहता है कि भैया कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। कौन कौन सी है सर, पहला द ऑडिटर सेल इवेल्यूएट कंपिटेंसी कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। कंपिटेंसी मतलब वो कह रहा है कि सर मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने कहा अच्छा जी, सर मैंने BCOM कर रखा है, अच्छा सर मैंने MCOM कर रखा है, अच्छा सर सर बट मैंने CA नहीं किया, क्या CA करना इसमें मायने रखता है? नहीं सर, एक्सपर्ट होने के लिए CA मायने नहीं रखता, एक्सपर्ट होने के लिए स्किल मायने रखती है, उसके पास वो स्किल है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो CA भी है, CS भी है, CMA भी है, लेकिन उसको अभी टैक्स की रिटर्न फाइल करना नहीं आता, ऐसा है सर। आज के समय में कुछ लोग हैं ऐसे जिनके पास सारी डिग्रियाँ हैं लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं ले रखा, डम्मी आर्टिकलशिप की थी। तो आपको कंपिटेंसी चेक करनी है। कैपेबिलिटी ये हो गई कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी मतलब उसके पास वो स्किल है, चलो वो तो हो गई डिग्री, कैपेबिलिटी स्किल है कि वो ये काम कर पा रहा है, और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट कि भैया वो काम को लेके कितना सीरियस है, क्या वो काम को ईमानदारी से करता है नहीं करता है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपिटेंसी कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट मे कम फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज, आपको इन इन चीज़ों से ये पता लग जा सकती है। तो हमें एक्सपर्ट का क्या देखना है, CCO, हमें एक्सपर्ट का CCO चेक करना होता है। पहला पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर विद द एक्सपर्ट, मतलब आपको उसके साथ मिल के बात करके कैसा लगा, वो नॉलेजेबल लगता है? जैसे कई लोगों को देख के लगता है कि ये फुद्दू है, ये पागल है, या फिर ये ओवर स्मार्ट है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा उसके एक्सपर्ट के साथ? या फिर कई बार मिल के लगता है नहीं यार ये बहुत सीरियस बंदा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही जानकार है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है,
तो अगर हम उसके साथ, हमें कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, हमें कैसी फीलिंग आ रही है, गुड या बैड. अच्छा, दूसरा है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द एक्सपर्ट. वो सर कितना प्रोफेशनल क्वालिफाइड है, मतलब कम से कम बीकॉम तो हो, अकाउंट का काम देख रहा है यार, चलो सीए नहीं है, सीएस नहीं है, सीए में बीकॉम तो हो, कम से कम एमकॉम तो हो, कुछ तो हो. ऐसे थोड़ी ना बस टेंथ पास है यार, टेंथ पास है और अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, थोड़ा सा डाउटिंग है. लाइक मेंबरशिप ऑफ सर्टेन प्रोफेशनल बॉडी, हो सकता है वो सीए भी हो, बहुत अच्छी बात है सर, सीएस भी हो बहुत अच्छी बात है, सीएमए भी है बहुत अच्छी बात है. अच्छा ओके, एनी पब्लिश्ड बुक और आर्टिकल ऑफ द एक्सपर्ट, हो सकता है उसने कोई बुक लिख रखी हो या आर्टिकल लिख रखा हो. अगर वो पब्लिश्ड है यानी लोगों ने उसको सम्मानित किया है, उसको रिस्पेक्ट दी है यानी उसके पास नॉलेज अच्छी है, तो हमें भी उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ओके, डिस्कशन विद अदर्स हु आर फैमिलियर विद द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, आप उन लोगों से बात करो जो एक्सपर्ट को पहले से जानते थे. तो एक्सपर्ट को पहले से जानते थे, आप उनसे बात करो, मिलो, जानो, तो आपको ये पता चल पाएगा कि हाँ भैया ये बंदा सच में अच्छा है या नहीं है. एंड ई पॉइंट इज पर्सनल कम्युनिकेशन डिस्कशन विद एक्सपर्ट, आप खुद बात करो. आप उस मुद्दे पे, लेट सपोज वो टेक्निकल एक्सपर्ट है या फिर वो इंजीनियर है, वो आर्किटेक्चर, आप खुद बात करके देखो कि हाँ यार उसको इस बात के बारे में जानकारी है या नहीं. ओके, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, आप उसके काम करने के तरीके को समझो. इफ ऑडिटर इज इनेबल टू ऑब्टेन सच अंडरस्टैंडिंग, मान लो ऑडिटर जो है इनेबल है, इनेबल टू ऑब्टेन मतलब एक होता है डिसेबल, डिसेबल मतलब होता है नहीं, इनेबल मतलब हाँ, टू ऑब्टेन सच अंडरस्टैंडिंग देन ऑडिटर में अपॉइंट हिज ऑन एक्सपर्ट एज पर एस ए 620. अब ऑडिटर को लग रहा है यार मैं उसकी बातें नहीं समझ पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, अपना ही एक्सपर्ट एक हायर कर लूँगा और मैं अपने एक्सपर्ट से कहूँगा भाई उसका काम चेक करके देख वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है. ऑडिटर सेल इवेल्युएट वेदर इट विल बी अप्रोप्रिएट टू यूज़ द एक्सपर्ट वर्क, फिर वो देखेगा कि अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी है इसके काम में कि जो मैं यूज़ करूँ. इन सच इवेल्युएशन द ऑडिटर सेल कवर द फॉलोइंग कंसिडरेशन, ऑडिटर को इन इन बातों का ध्यान रखना है. पहला एक्सपर्ट फाइंडिंग, एक्सपर्ट फाइंडिंग शुड बी रिलेवेंट एंड रीजनेबल, कि जो एक्सपर्ट ने फाइंड करके दिया, जो वो मुझे बता रहा है, क्या वो रिलेवेंट है मेरे काम के लिए, क्या वो रीजनेबल है मेरे काम के लिए. अच्छा, उसके बाद मैं देखूंगा एक्सपर्ट की एजम्पशन क्या थी, मतलब एक्सपर्ट किन किन बातों को ध्यान रखते हुए वो काम करता है. वर्किंग एग्जम्पशन क्या है, क्या वो वर्किंग एजम्पशन के साथ रिलेवेंट एंड रीजनेबल इंफॉर्मेशन देता है. ठीक, ओके. उसके बाद लास्ट है इसमें सोर्स ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा यूज बाय एक्सपर्ट इन हिज वर्किंग शुड बी रिलेवेंट कंप्लीट एंड एक्यूरेट, जिस भी डाटा को यूज करते हुए काम कर रहा है वो रिलेवेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए. इफ ऑडिटर डिटरमाइंड टू यूज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट देन ऑडिटर शैल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओपिनियन, दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट रिड्यूस बाय द वर्क ऑफ अदर्स. मतलब अगर मान लो आपने उसका काम यूज कर लिया, माफी चाहूंगा, और आपको लगता है कि यार उसका काम यूज़ कर लिया तो सारी जिम्मेवारी उसकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है. एट द एंड अगर गलती पाई गई तो जिम्मेवार आपको ही ठहराया जाएगा. इसलिए किसी का काम भी यूज़ करते हुए, किसी की बातों को भी मानते हुए, आप अपना कॉमन सेंस, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर लगाएं और ये देखें कि आप सही तरीके से ऑडिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसी के साथ सर ये एसे ख़त्म होता है. ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेक्स्ट एसे हम डिस्कस करेंगे 320 से. ओके, 320 हमारे पास दोबारा से आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें वो चीज़ें प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट में मैटेरियलिटी का क्या रोल है ये हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, मैटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय. और बुक जो आपके पास है उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और मोर एंड मोर टाइम रिवाइज कीजिएगा. इतनी अच्छी बुक आपके लिए बनाई है कि आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से लैंग्वेज याद कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं. लाइक एंड थैंक्स करके मेरे एफर्ट को भी अप्रिशिएट करिएगा. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.